Hello everyone. So today I will be discussing about the topic of assignment operators. Now we have assignment operators in C++ also, we have in C and in most of the programming languages that you will be discussing or you will be learning throughout your career. Now assignment operator is simply specified by equal to sign, and this is something that you are assigning the value of the right operand to the left operand. So actually what happens is the right hand side, if you have done in mathematics mein jaise aap likhte the 2 + 3, theek hai, aur uska result aap calculate karke kisi aur variable ko dena chahte hain taki wo usko store kar le, kyunki aapko malum hai variable kya hote hain. Computer ki memory ke andar ek jagah hoti hai, usko ek naam de diya jata hai. Ab us jagah mein ek naam ke sath value bhi deni hai. तो वो वैल्यू या तो सीधी लिखी जा सकती है, जैसे हम लिख सकते हैं वेरिएबल में अगर int a is equal to 10 इनिशियलाइजेशन कराने वक्त, तो उस केस में हमारे पास उसके अंदर 10 हो जाएगा, या हम उसको कुछ अलग से एक्सप्रेशन को सॉल्व करके भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे जो हम करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग राइट हैंड साइड टू द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो भी उसकी पहली वैल्यू होती है लेफ्ट ऑपरेंड की वो रिप्लेस कर देता है विद द न्यू वैल्यू. अब ये क्योंकि हमारे पास ये दो ऑपरेटर्स के बीच में, दो ऑपरेंड्स के बीच में काम करता है, तो इसलिए हम इसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं. और इसमें जो राइट हैंड साइड का ऑपरेंड है वो गेट्स कन्वर्टेड टू द डेटा टाइप ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड. ये लाइन का मतलब क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं इंट, जैसे हम लिख देते हैं इंट, अगर एक्स मान लो डबल टाइप का है वाई इंट का है, तो वाई वाला कन्वर्ट हो जाएगा एक्स की डाटा टाइप में, ठीक है. इसी तरह जैसे वन लिखा हुआ है ये तो बट ऑब्वियस वन ही रहेगा, इसी तरह ये अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में ए, तो इट वुड हैव कन्वर्टेड टू द इंट टाइप. तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट क्लासेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हैं और उनके डेटा मेंबर्स होते हैं, तो वहां पे नहीं होता. बट अदरवाइज राइट ऑपरेंड की जो भी वैल्यू आती है वो उस डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाती है जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया हुआ है सिंगल इक्वल टू डाल के. ऐसा अक्सर आप अपने प्रोग्राम बनाते हुए स्टेटमेंट्स लिखेंगे जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की जो राइट की वैल्यू है डाटा टाइप में, वो जो उसकी डाटा टाइप किसमें कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिटली होता है, ठीक है. अब आगे चलते हैं, और इसमें याद रखना कि सिर्फ वैल्यूज एक्सप्रेशन नहीं आते, यू कैन ऑल्सो हैव राइट, आपके राइट हैंड साइड पे क्या हो सकता है फंक्शन कॉल. अभी हम C++ की बात करेंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, वैसे तो यूजली सी में आपने कभी देखा नहीं होगा, पर हमारी लेफ्ट एल वैल्यू भी फंक्शन कॉल हो सकती है. हम वो एग्जांपल भी करेंगे. आई विल आल्सो टेल यू दैट हाउ एंड व्हाट इज द केस जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो भी एक फंक्शन कॉल हो सकता है, ठीक है. इसके अलावा वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ओके. नाउ लेफ्ट हैंड ऑपरेंड कैन बी अ वेरिएबल, जैसे हमने अभी देखा कि हमने ये सैलरी या कुछ भी ए लिखा था इज इक्वल टू बी, तो वो वेरिएबल हो सकता है. अब फंक्शन कॉल हो सकता है इन C++, पर वो ही सिचुएशन है जब आप रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हो, उसके साथ काम कर रहे हो. इसके साथ साथ वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है क्लास टाइप का. तो ये चीजें आपने सी में नहीं सुनी होंगी, तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है कि हम C++ में ऐसे भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ए, बट ensure that the object A data member and object B data member are the same, that is both of them are of the same class type. तो ये भी ensure करना पड़ेगा. बाकी जो right operand है, जैसे हमने पीछे देखा, एक variable हो सकता है, एक literal हो सकता है, function call या कोई expression की form में एक बड़ा expression हो सकता है. जैसे कि आपने ये सारी चीजें यहाँ पे देखी, एक literal है, एक variable है, एक expression है, ठीक है, और एक function call भी है. तो ये सारी चीजें असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वाले में आ सकती हैं. अब असाइनमेंट ऑपरेटर कई जगह पे असाइनमेंट ऑपरेटर कंपाउंड असाइनमेंट स्टेट असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है, या इसको हम शॉर्ट हैंड कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जब भी हमने कोई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, जो भी इसकी करंट वैल्यू, उसको यूज करना है, मॉडिफाई करना है या रीअसाइन भी करना हो, तो हम उस केस में इस स्टेटमेंट को, जैसे हम लिखेंगे सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 2000, मान लो सबकी सैलरी 2000 से बढ़ानी है, तो उस केस में हम इसको, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू को कंबाइन कर सकते हैं. तो ये जो ऑपरेटर होता है ये भी एक टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ये कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जितने भी हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. इसी तरह हमने अभी अभी जो पढ़े हैं बिटवाइज ऑपरेटर, वो भी हमने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं एज अ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट.
ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे ये देखो मास की वैल्यू इक्विवेलेंट ऐसे हो जाती है। इसके साथ साथ याद रखना है कि जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर की इवैल्यूएशन होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी, मतलब उसकी जो एसोसिएटिविटी होती है, यानी कि अगर एक मल्टीपल ऑपरेटर, तो इस केस में वाई वाला एक्स वाला पहले इवैल्यूएट नहीं होगा, पहले होगा वाई इज इक्वल टू वाई इंटू टू, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा वो वहां पे जाएगा, वो एक्स के अंदर ऐड होएगा। यानी कि ये जो लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वाई, ये इसका मतलब क्या है कि यहां से जो वाई का रिजल्ट आया है वो एक्स में जा रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिकॉज दिस, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम एसोसिएटिविटी देखें इस पर्टिकुलर ऑपरेटर की, जो जनरली ज्यादातर ऑपरेटर्स में लेफ्ट टू राइट हो रही होती है, तो इसमें राइट टू लेफ्ट होती है। इसका ये मतलब है पहले राइट हैंड साइड को वैल्यूएट करो एंड देन मूव टू द लेफ्ट साइड। तो दिस इज व्हाट देयर इज इन असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ लेट्स डिस्कस एक प्रोग्राम्स अबाउट द असाइनमेंट ऑपरेटर। आई हैव सिंपली रिटन सम कोड जस्ट टू सेव टाइम। नाउ वी हैव टेकन थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सी एंड दे हैव बीन इनिशियलाइज्ड। यू कैन अवॉइड दिस इनिशियलाइजेशन ऑल्सो, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। A is equal to 5, we can delete it. B is equal to 10, this is to be deleted, and this 20 has to be deleted. Now it can be written as A is equal to, okay, it was 5. Then you can write it as B is equal to 10, and you can write C is equal to 15. Okay, I have to put it on the another line, but you cannot put this in a single line. I will okay, comma operators can be used in for loop also, we'll study about them later. 15, okay. So this is how we have declared in fact definition of these three variable. Agar aap yahan pe bhi inko kaat dete hain lines ko aur iski values print karte hain, to humne discuss kar chuke hain variable ke section mein ki inko garbage value aa jati hai. To yahan pe ab variable ko humne value assign kar di hai, to ye assignment operator ki madad ke sath, अब आप स्पेस डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब आपकी कोडिंग में, अगर आपको पढ़ने में इजी लगता है तो आप स्पेस जरूर डालो, क्योंकि ये गुड प्रोग्रामिंग होगी। आपकी रीडेबिलिटी हमेशा कोड की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप छोटे कोड बना रहे हैं, बड़े बनाएंगे तो आपको बहुत चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सो इन दिस वी पॉइंट आई एम सेइंग दैट दिस इज, वी हैव टेकन थ्री वेरिएबल्स एंड असाइंड डिफरेंट वैल्यूज। नाउ दिस इज अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, आई कैन ऑल्सो राइट द सेम स्टेटमेंट एज ए इज इक्वल टू ए प्लस 15। This is the same statement, and this is something that has to be talked about. Now, what will happen is, I can first C will be evaluated like C into 2. Now, after calculating the new this value of C, it will be added to B, whatever the value of current value of B. So, you can well think of what will be the answer if we print all these values. So, let me print these values. You can, I've not put much space, तो answer में जब आपके पास space नहीं आएगी, number साथ साथ आएंगे, अब ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे मैं तीनों values को print करके आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा, ठीक है? अब आप अगर आगे programming में functions के chapter में जाएंगे, तो वहाँ पे हम variables की function call को, जब वो value को return कर रहा होगा, तब भी हम उसकी value return करवा सकते हैं। वो अभी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लो कि अगर हमने ये कोई वेरिएबल पास करना है, वो भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हम लिख देते हैं ए की जगह सी को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, सी इज इक्वल टू फंक्शन, और ये स्टेटमेंट हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डिलीट कर देते हैं और ये फंक्शन कॉल हम बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंट फंक्शन, और यहाँ पे हम एक लोकल वेरिएबल लिख लेते हैं इंट एक्स इज इक्वल टू 10, नहीं 15 रखते हैं, क्योंकि हमने सी की वैल्यू 15 रखनी है। ओके, और रिटर्न अब एक्स। ओके, सो अब ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो कोड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, अब ये जब फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल भी एक आर वैल्यू यानी कि राइट हैंड साइड पे आ सकती है, और जो वैल्यू सी में स्टोर होगी। तो इस तरह से सी की वैल्यू हमने 15 इनडायरेक्टली असाइन कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप ये देख लो, ये पहली वैल्यू आ रही है 20, ए की वैल्यू 5 थी, 20 हो गई। बी, अब सी की वैल्यू कितनी हो रही है, 15 थी, 15 इंटू 2 30, तो 30 हो गई सी, क्योंकि सी हमने बाद में प्रिंट किया। और ये 30 किस में ऐड हुआ, बी की वैल्यू में, और वो बन गया 40।
तो इस तरह से हमारे पास, अगर हम इसको अलग अलग लाइन में चेक करें तो आपको ज्यादा इजीली दिख जाएगा। लेट मी राइट इन सेपरेट लाइंस। ऊपर एंड एल एन रह गया है, वो भी लिख देते हैं। ओके, सो दिस, नाउ आई रन दिस प्रोग्राम। सो यू कैन सी, पहले ए की वैल्यू 20, बी की, सी की वैल्यू देखे कैसे आई, कि सी की वैल्यू, ये स्टेटमेंट चलेगी पहले, यानी कि सी की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर जो रिजल्ट आएगा वो बी में ऐड होएगा। तो ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो एक और प्रोग्राम देखते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल, या हमारे पास जब ऑब्जेक्ट्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि ये मैंने पहले ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं, एक क्लास बनाई और उसमें मैंने यहाँ पे एक क्लास के अंदर एक ही मेंबर दिया, मान लो उसको पब्लिक ही दे दिया ताकि मैं उसको डायरेक्टली बाहर एक्सेस कर सकूं, और नम नाम का वो डेटा मेंबर मैंने बनाया। ये बड़ी सिंपल क्लास है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इसमें ये याद रखना है कि इसको ऐसे जैसे स्ट्रक्चर के केस में है वहां पे, यहाँ पे तो यहाँ पे पब्लिक देना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो क्लास होती है उसके मेंबर को हम प्राइवेट कहते हैं, और अगर स्ट्रक्चर ले लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर के लिए भी आप सेम प्रोग्राम, बस स्ट्रक्चर लिख लीजिए और एक पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कि हमने दो, इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब इसके मेंबर को हमने इनिशियलाइज कर दिया 5, और इसी के साथ हमने ऑब्जेक्ट बी बनाया और ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू उसको दे दी। तो ये पॉसिबल है, यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं हो रही। पर अगर आप पिछले प्रोग्राम में जाएंगे और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम बी को ही करते हैं, क्योंकि फिर हमारे को मुश्किल हो जाएगा, कोड में ज्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी, इसको डिलीट करते हैं बी को और उसको डबल कर देते हैं, पर वो फिर डेटा टाइप कन्वर्जन मांगेगा, वो हमें देखना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट डबल बी इज इक्वल टू, लेट अस से इट वॉज 10.5, ठीक है। तो यहां से ये स्टेटमेंट गायब कर देते हैं, ठीक है। तो ऑल टुगेदर इसका अगर हम रन करते हैं तो रिजल्ट डिफरेंट ही होगा, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू ऐड होगी तो वो ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि राइट की वैल्यू डबल में कन्वर्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे सिंपल जब हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे दी है तो इसका जो नियम है, क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल तब होगा अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट नम को हमने प्रिंट करेंगे, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये पॉसिबल हो पाया है ऑब्जेक्ट्स के बेस में। इसी तरह रेफरेंस वेरिएबल में, अगर हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे फंक्शंस के चैप्टर में रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंपल हम उसके साथ एम्परसेंड लगाते हैं। तो अगर हम एक वेरिएबल पास, वेरिएबल जैसे फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इस फंक्शन कॉल में जो नंबर है उसकी रेफरेंस पास कर रहे हैं, तो रेफरेंस पास कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एम्परसेंड, यानी कि एक्स और नंबर दोनों ही एक दूसरे के दूसरे नाम है। जैसे आपके घर में नाम हो सकता है, अगर मान लो आपका नाम, घर का नाम अंशु है और बड़े ओरिजिनल नाम अंशुमन है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं कि दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एप्रेसेंट एक्स और नम दोनों है, तो अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे नम हमने इस वेरिएबल को पास किया, तो वो एक्स में रेफरेंस वेरिएबल में रख गया। अब इसमें रिटर्न वैल्यू भी रेफरेंस वेरिएबल है, इसलिए हमने रिटर्न वैल्यू में भी रेफरेंस का जिक्र किया हुआ। अब ये वैल्यू जब आएगी वापस, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी और वो होगी एक तरह से एक्स। अब x की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 20 क्योंकि x की वैल्यू हो रही है तो नम की भी 20 हो जाएगी, इसलिए हम जब नम की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू चेंज होके आ जाती है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन कॉल जो है वो l वैल्यू बन गया, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता जनरल केस में, बस इसी केस में पॉसिबल है जब आप रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो ये सारे वेरियस वेज हैं जिसके हम पॉइंटर्स में भी अगर असाइनमेंट करते हैं, तो और भी कई जगह, अगर जैसे इंडिविजुअल मेंबर्स को हमने देखा, ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को असाइन करते हैं, स्ट्रक्चर्स, हर जगह असाइनमेंट यूज होती है, तो इस व्यू पॉइंट से हमें इसको यूज करना चाहिए।